20 दिन बापू बेटा यहीं पड़े रहे तो ये आदमपुर हल्का ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हराया। ये जो हरियाणा का पप्पू जिसे भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं उसकी राड निकालने के लिए मरोड़ निकालने के लिए भी मैं आदमपुर हल्के जनता को बधाई देता। हमारे लोग ये काम नहीं कर सकते, ड्रामे वही करते। आदमपुर की भव्य जीत के लिए मेरे आदमपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये ईमानदारी की विश्वास की जीत हुई है, ये मोदी जी की नीतियों की जीत हुई है, ये खट्टर साहब की कार्यशैली की जीत हुई है और ये चौधरी भजन लाल परिवार का 54 साल का जो विश्वास था उस विश्वास की जीत हुई है। मैं बधाई देता हूं आदमपुर हल्के की जनता को जिन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को धूल चटाई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कोई साधारण चुनाव नहीं था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने नाम से वोट मांगे थे, 20 दिन बापू बेटा यहीं पड़े रहे और हुड्डा ये कहता था भूपेंद्र ये जेपी का वोट नहीं है, भूपेंद्र हुड्डा को वोट दे रहे हो, तो ये आदमपुर हल्का ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हराया है। और 16,000 की जो विक्ट्री है ये मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में 10% ही ऐसे कैंडिडेट होते हैं विधानसभा के चुनाव में इतने बड़े मार्जिन से जीतते हैं, तो मैं बधाई देता हूँ। अभी जनता की आदमपुर की जनता को एक और बधाई देना चाहता हूँ कि जो हरियाणा का पप्पू जिसे भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं उसकी राड निकालने के लिए मरोड़ निकालने के लिए भी मैं आदमपुर हल्के जनता को बधाई देता हूँ। जेपी की गाड़ी का शीशा तोड़ा गया है, उसको क्या कहेंगे जी? जेपी की गाड़ी का शीशा मुझे नहीं पता, हमारे लोग ये काम नहीं कर सकते, ड्रामे वही करता। आम आदमी पार्टी की जमानत खत्म हो गई। आदमपुर हल्के की जनता ने विश्वास किया हमारे ऊपर, विश्वास किया माननीय मनोहर खट्टर जी के ऊपर, अब ये बनवास खत्म हो गया, विकास की गंगा बहाना हमारी खट्टर साहब की प्राथमिकता है। कहीं ना कहीं विकास रुका हुआ था, अब दोबारा से आदमपुर की प्राथमिकता रहेगी। आदमपुर की भव्य जीत के लिए मेरे आदमपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये ईमानदारी की विश्वास की जीत हुई है, ये मोदी जी की नीतियों की जीत हुई है, ये खट्टर साहब की कार्यशैली की जीत हुई है और ये चौधरी भजन लाल परिवार का 54 साल का जो विश्वास था उस विश्वास की जीत हुई है। मैं बधाई देता हूँ आदमपुर हल्के की जनता को जिन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को धूल चटाई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कोई साधारण चुनाव नहीं था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने नाम से वोट मांगे थे, 20 दिन बापू बेटा यहीं पड़े रहे और हुड्डा ये कहता था भूपेंद्र ये जेपी का वोट नहीं है, भूपेंद्र हुड्डा को वोट दे रहे हो, तो ये आदमपुर हल्का ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हराया है। और 16,000 की जो विक्ट्री है ये मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में 10% ही ऐसे कैंडिडेट होते हैं विधानसभा के चुनाव में इतने बड़े मार्जिन से जीतते हैं, तो मैं बधाई देता हूँ। अभी जनता की आदमपुर की जनता को एक और बधाई देना चाहता हूँ कि जो हरियाणा का पप्पू जिसे भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं उसकी राड निकालने के लिए मरोड़ निकालने के लिए भी मैं आदमपुर हल्के जनता को बधाई देता हूँ। जेपी की गाड़ी का शीशा तोड़ा गया है, उसको क्या कहेंगे जी? जेपी की गाड़ी का शीशा मुझे नहीं पता, हमारे लोग ये काम नहीं कर सकते, ड्रामे वही करता। आम आदमी पार्टी की जमानत खत्म हो गई। आदमपुर हल्के की जनता ने विश्वास किया हमारे ऊपर, विश्वास किया माननीय मनोहर खट्टर जी के ऊपर, अब ये बनवास खत्म हो गया, विकास की गंगा बहाना हमारी खट्टर साहब की प्राथमिकता है। कहीं ना कहीं विकास रुका हुआ था, अब दोबारा से प्राथमिकता रहेगी।